नुपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही। किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर खुश होने वालों को भी अदालत की जरूरत नहीं लगती। यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी जरूरत रही या नहीं रही। क्या हर बार यह संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या उसकी हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके। इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई। आरोपी का दोष साबित होने से पहले घर गिराने के लिए क्या अतिक्रमण एक नया हथियार बन गया है? क्या इसके जरिए इनको और उनको दोनों यानी आप सभी को संदेश दिया जा रहा है कि प्रदर्शन करना भूल जाइए? किसानों ने प्रदर्शन किया तो इसी मीडिया ने पहले दिन से उन्हें आतंकी लिखना शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि जावेद का घर अवैध रूप से गिराया गया है, लेकिन गोदी मीडिया और एक तबका बुलडोजर की जय जयकार कर रहा है। वही इंसाफ के लिए भटक रहे आम आदमी के पांव में जांच, मुकदमा, सबूत, सुनवाई, वकील, दलील, फैसला और अपील की बेड़ियां बांध दी गई, लेकिन उनके वोट से बनी सरकार ने अपने लिए इन सब बेड़ियों को तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि बुलडोजर लाकर सरकारों ने अदालतों की थका देने वाली प्रक्रियाओं के खिलाफ बगावत कर दी है। इंसाफ का मतलब प्रक्रिया नहीं, सबूत नहीं, पावर है और समर्थन। हिंसा होती नहीं कि अतिक्रमण की गाड़ी पहुंच जाती है। बुलडोजर के पहुंचने की घटना का भी अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हिंसा के बाद यह बुलडोजर ज्यादातर मामलों में एक समुदाय के मोहल्ले में ही पहुंचता है। क्या हिंसा का दूसरा पक्ष होता ही नहीं? अब यही अंतिम न्याय और यही सही खबर है। मैं आप सभी का फूला हुआ सीना देखकर फूला नहीं समा पा रहा। वाकई आज बधाई का दिन। आप यानी उन सभी को जिनका अपना जीवन ठीक ठाक चल रहा है और जिन्हें आजकल किसी भी बात में गड़बड़ी दिखाई नहीं दे। बड़ा कंप्लेंट आया है कि स्वस्थीकरण की कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। ऐसे लोगों को इससे क्यों दर्द होगा? बुलडोजर तो शहर को सुंदर बनाने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर कई बार गरीब लोगों के मकानों को तोड़ चुका है। तब तो दर्द नहीं हुआ, अब क्यों हो? वैसे भी ये घर प्रयागराज के किसी मोहम्मद जावेद का है। इसमें रहने वालों के नाम परवीन फातिमा, सुमाया फातिमा, आफरीन फातिमा। अगर आप भावुक हो रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि आफरीन फातिमा का संबंध JNU से बताया जा रहा है। गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग में जिस तरह से आफरीन को JNU से जोड़कर संदिग्ध और खतरनाक टाइप बताया जा रहा है, उसके बाद तो किसी जांच और सबूत की जरूरत ही नहीं रह जाती। ट्विटर पर जो लोग इस घर को ढहा देने पर खुशी मना रहे हैं, उनकी खुशी किसी नियम के तहत कार्रवाई को लेकर नहीं है, बल्कि किसी नियम के तहत या नियम के बहाने इन लोगों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई को लेकर है। इन लोगों के उनके नाम हमने अभी अभी बताए। इसके बाद बहुत से लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि इन लोगों को सीधा करने का यही तरीका है। इन लोगों मतलब जिनका नाम जावेद और फातिमा होता है। मीडिया में इन लोगों के लिए कभी मास्टरमाइंड, कभी सूत्रधार, कभी दंगाई तो कभी उपद्रवी का इस्तेमाल आराम से होता रहता है। पुलिस ने भी सूत्रधार कहा है। नहीं भी कहा गया होता तब भी आप भावुक नहीं होते, इतना तो आपको जान ही गया। आज की कहानी में आप नहीं, आपसे मेरा मतलब वो लोग जिनके जीवन में सब ठीक चल रहा है, मतलब जो रोज दफ्तर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मकान और कार खरीद रहे हैं, शेयर बाजार में कुछ डूब गया है, $1.78 का हो गया, ऐतिहासिक रूप से नीचे गिर गया है, अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। तो मेरी बातों पर यकीन होगा। इस चैनल के स्क्रीन पर लिखा आया पत्थरबाजों, बुलडोजर घर को पत्थर कर देगा। ऑर्डर क्लियर, गुनाह पत्थर तो सजा बुलडोजर। बुलडोजर घर घर दंगाई थर थर।
जहां से पत्थर वहां बुलडोजर, बुलडोजर का प्रहार, योगी का संदेश तैयार। क्यों चलाई गोली मौलाना की कैसी बोली, योगी राज में उपद्रवियों पर प्रहार। कुछ दिन पहले इन्हीं चैनलों की ऐसी बहसों और भाषा के असर को लेकर सवाल उठ रहे थे। पिछले ही हफ्ते बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को ऐसी बहसों से दूर रहने की हिदायत दी, कहा कि वे सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं पर बात करें। इन बहसों इन चैनलों पर होने वाली बहसों का एक सप्ताह भी नहीं बीता कि फिर से इस तरह की भाषा और बहस की वापसी हो गई। मुसलमानों ने भी आलोचना की कि मौलाना हिंदू बनाम मुसलमान की बहस में जाकर माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और ऐसी बहस में उनका इस्तेमाल हो रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मौलाना ऐसी बहस में न जाएं। इस चैनल ने इसकी काट निकाली। आलोचना हिंदू बनाम मुस्लिम बहस की हुई। मना किया गया कि हिंदू बनाम मुस्लिम बहस में ना जाएं, तो बहस मुसलमान बनाम मुसलमान की होने लगी। इस बहस में एक नहीं आठ आठ मुसलमान नजर आते हैं। इन बहसों में क्या कहा गया, सही या गलत कहा गया, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है उसकी जो लिखा हुआ है, जैसा लिखा गया है। जब इंसाफ का चेहरा बुलडोजर बन जाए तो उसके चल जाने के बाद सही गलत की बहस का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो चल चुका होता है। प्रशासन की दलीलों के साबित होने की जगह तो अदालत, मगर अब घर तो नहीं होगा जिसे प्रशासन ने अवैध निर्माण साबित कर कहा। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि 10 मई को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसकी सुनवाई 24 मई को तय थी, लेकिन जावेद की तरफ से कोई नहीं गया। 25 मई को स्पष्टीकरण का आदेश जारी हुआ और इसका नोटिस चिपकाया गया कि 9 जून को खुद से स्पष्ट कर दें या 12 जून को स्पष्टीकरण की कार्रवाई हो। अब इन सवालों का मतलब नहीं रहा कि पहले की नोटिस नहीं मिली, नोटिस बैक डेट में जारी हुई है या कब जारी हुई। पुलिस कहती है कि घर से हथियार मिला है। जावेद की बेटी सुमैया कहती है कि जब घर खाली कर लिया जाएगा तब मलबे से ऐसी चीजों का मिलना संदेह पैदा करता है। आज जावेद मोहम्मद जावेद और जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उसके उसके अवैध निर्माण के लिए जिला प्रशासन और पीडीए के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान उनके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं इसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक वगैरह है, उसको कब्जे में ले लिया गया है, उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है, इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी इस जावेद मोहम्मद जावेद और जावेद पंत के द्वारा किया गया। इन सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा और इनको सबूतों में शामिल किया जाएगा ताकि सबूतों के साथ अच्छी लिखा पढ़ी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इन सभी चीजों को पेश किया जाए। जावेद की बेटी सुमैया फातिमा कहती हैं कि उनके पिता ने फेसबुक पर शांति की अपील की थी, घर ढहाने से पहले खाली कर दिया गया था, तब हथियार कहां से मिल गए। जब ऐसी चीजें मिली भी तो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं दिखाया गया। देखिए, जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उससे उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी, हर एक सामान निकलते हुए सब लोग देख रहे थे, हम खुद लाइव ब्रॉडकास्ट में अपने घर को टूटते हुए देख रहे थे। उसमें जो सामान नहीं निकले थे वो किताबें थी और हम लोग की कुछ याद भरी चीज़ें थी और कुछ नहीं निकला था। वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोग ने भी यही देखा था। जब निकल रहा था तब कुछ ऐसी चीज़ नहीं निकली, निकलती तो उस वक्त हमारी फ़ोटोज़ ना दिखाकर शायद वो लोग मीडिया वाले उस वक्त उन चीज़ों पर हाईलाइट ज़्यादा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ निकला ही नहीं। जब पूरा घर खाली कर लिया उन्होंने तोड़ दिया, टूट गया घर पूरा, खाली हो गया, सामान सारे बिखर गए। उसके बाद शाम में अचानक से हमारे घर से उस मलबे में से ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि अचानक से मलबे के अंदर से ये सब चीज़ें कैसे निकल रही हैं। जब घर खाली कर रहे थे तब क्या उनको ये सब चीज़ें नहीं दिख रही थी। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसलिए अगर आपसे पूछा भी गया होगा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लेम कर रही है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिसेस दिए, वो तो एक अलग मुद्दा है कि आप ये कह रहे हैं कि वो जावेद साहब की वाइफ के नाम पे घर है, आपकी मदर के नाम पे घर है, लेकिन मोस्टली उनका जो ये कहना है कि उन्होंने आपको मल्टीपल नोटिसेस दिए, आप यहीं रहती हैं इसी घर में, क्या आपको याद है कोई नोटिस लेके आपके पास आया या किसी ने आपसे आपके पिताजी या माता जी से कुछ रिसीविंग करवाई करी पिछले एक महीने में, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बाकायदा जब से हमारा घर बना है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी हमारे घर में कोई नोटिस नहीं आई, सिर्फ हमारे घर हमारे मोहल्ले में घर में किसी के घर में नोटिस नहीं।
ये कहती है कि आपके पिताजी मास्टरमाइंड हैं, या फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक भीड़ को भड़काने की कोशिश की या उकसाने की कोशिश की, आप कैसे जानते हैं? जो व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने भड़काने की कोशिश करी है वो चीज़ प्लस पेश क्यों नहीं कर रही है, वो चैट्स दिखा क्यों नहीं रही है? आप उनका खुद फेसबुक अकाउंट खोल कर उनकी लास्ट पोस्ट देखेंगे तो उसमें उन्होंने अमन चैन की अपील करी है। हम लोग के पास है भी, आप कोई भी उनका फेसबुक पोस्ट खोल के देख सकता है। वो पब्लिकली ये डाल रहे हैं जो अमन चैन की बात कर रहे हैं कि हम लोग को अपनी बात प्रशासन से मिलकर मेमोरेंडम देकर करनी चाहिए, हालांकि रोड पे जाकर प्रोटेस्ट करके। जो इंसान ऐसी अपील कर रहा है उसी दिन सवेरे वो रात में कुछ और कह रहा है, और अगर कह भी रहा है तो वो दिखाएं हम लोग को, वो सिर्फ बता क्यों रहे हैं कि ऐसा कहते थे, वो स्क्रीनशॉट्स दें, वो हम लोग को दिखाएं कि देखिए उन्होंने ये संगीन बातें करी हैं, तो वो सब दिखा क्यों नहीं रही है? तो ये साफ बता रही है कि सब उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है, करी जा रही है। इस नोटिस को लेकर अदालत में सवाल जवाब होंगे, मगर अब वो घर नहीं होगा जिसे हसरतों के साथ बनाया गया था। उम्मीद है इसे तोड़ने वालों को नींद अच्छी आई होगी, आती रहेगी, और सपने में सुंदर सुंदर घर आते रहेंगे। ऐसे सुंदर सपने आते रहें, हम अपनी कहानी में इन सपनों के लिए दुआ करेंगे। आखिर तोड़ने में मेहनत जो लगी है, प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं कि इतनी धूप के सामने मुस्तैदी से काम किया। एक बात और समझ नहीं आ रही, जावेद के वकील कृष्णा और जावेद की बेटी सुमैया कह रही हैं कि उनके पिता तो प्रशासन के साथ शांति बहाली की बैठकों में जाया करते थे। तब ऐसा क्या हुआ कि जावेद ही प्रशासन के लिए खलनायक बन गए, मास्टरमाइंड बन गए? हमारे अब्बू हमेशा से प्रशासन के हमेशा कोऑपरेटिव रहे हैं, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए पकड़ा गया हो या फिर कभी किसी चीज़ में उनका नाम नहीं लिया है, बल्कि वो हमेशा साथ में रहे। और ऐसा भी रहा है कि अक्सर एसपी लोग हमारे घर भी आए, चाय वाय भी पिए, लेकिन अचानक से उन लोग ने एकदम से रंग बदल लिया अपना और अब्बू पे अचानक से कार्रवाई कर दी एक दिन में। जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनके छोड़ देने की बात कोई नहीं कर रहा है। उनकी इस हिंसा से प्रशासन और आम लोगों की जान जा सकती है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ये कौन लोग जिन्होंने ये रास्ता दिया। लेकिन क्या कभी कोई जान पाएगा कि हिंसा के वक्त क्या हुआ, वहाँ हिंसा क्यों हुई, प्रशासन से कैसी चूक, क्या वाकई जावेद ही हिंसा के मास्टरमाइंड थे, क्या पुलिस का दावा इतना पुख्ता है? और पुख्ता है तब घर गिराने से पहले अदालत के फैसलों का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या पूरे मोहल्ले में अतिक्रमण से यही एक मकान बना? प्राधिकरण को बताना चाहिए कि प्रयागराज शहर में कितने ऐसे और वे कौन लोग हैं, उनके नाम क्या क्या है। क्या आप नहीं जानते कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत दर्ज 120 मामलों 94 मामलों को रद्द कर दिया था 7 अप्रैल 2021 के इंडियन एक्सप्रेस में मदद जिलाधिकारी मुंशी की तरह आदेश जारी कर देते हैं। ये कोर्ट का बयान, कुछ मामलों में केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही एनएसए लगा देती है, बिना विचार और प्रक्रिया के आप किसी की स्वतंत्रता नहीं ले सकते। ये सब टिप्पणियां इलाहाबाद हाईकोर्ट की है जो इस अखबार में छपी। ये यूपी प्रशासन और पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसमें अवैध रूप से एनएसए लगाने का भी रिकॉर्ड था। क्या जावेद के मामले यूपी पुलिस का यह ट्रैक रिकॉर्ड सामने नहीं रखा जाना चाहिए? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर हर्जाना वसूलने का कानून प्रदर्शनों को कुचलने का नया हथियार नहीं बन गया? हम सभी जानते हैं कि प्रशासन चाहे तो किसी भी प्रदर्शन को हिंसक बना सकता है, हिंसा के हालात भी पैदा कर सकता है, लेकिन अब तो इस तरह के सवाल की संभावनाएं ही हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। इसी साल जनवरी में इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्व विश्वनाथ असद रहमान की रिपोर्ट छपती है कि कानपुर में नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा में शामिल लोगों पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगता है। इस आरोप के कारण उन सभी को नोटिस भेजी जाती है कि आप पर जुर्माना लगाया जाता है। एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सारी नोटिस एक ही समुदाय के लोगों को भेजी गई और उनमें से भी ज्यादातर गरीब लोग थे। तो क्या पुलिस और प्रशासन के दावे पर सवाल ही नहीं? इस ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी सवाल नहीं? किसी का घर इस तरह से ढहा देने पर आप जश्न मनाएं? इसी साल की बात, अगर किसी पत्रकार रिपोर्ट नहीं की होती कानपुर की बात, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया होता, इन लोगों को गोदी मीडिया के हिसाब पदवी मान लिया, तो जो होता वो आपकी नजर क्या कुछ भी गलत नहीं होता? आप इतने सही हो चुके। आलोक पांडे की यह रिपोर्ट आप प्राइम टाइम में देख सकते हैं। कबाड़ का काम करने वाले महमूद चौधरी की दुकान फरवरी 2020 में सील कर दी गई कमाई बंद। उन पर आरोप था कि दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून के विरोध में जो हिंसा हुई उसमें कथित रूप से शामिल, उन्हें 21 लाख जुर्माना वसूली का नोटिस भेज दिया गया। इसी तरह रंगकर्मी दीपक को भी 60 लाख का नोटिस। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन नोटिसों को अवैध करार दिया।
और ऐसी 274 नोटिसों को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि सरकार ने एक तरफा फैसला। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया इन मामलों में न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे, तब प्रशासनिक अधिकारी एडीएम ने कैसे कार्रवाई का संचालन कर दिया? आखिर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई गाइडलाइन को अनदेखा करने के पीछे क्या मकसद रहा? क्या प्रशासन से इतनी बड़ी छूट नहीं हो जाती है? तो आपने देखा कि एनएसए लगाने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के मामले हरियाणा वसूलने के मामले में दिल्ली पुलिस और प्रशासन के क्या ट्रैक रिकॉर्ड? इस बार इस कानून की बात नहीं हो रही, अतिक्रमण के कानून की बात हो रही। उसमें भी दो बातें हुई, एक तरफ जिला प्रशासन मोहम्मद जावेद को प्रयागराज की हिंसा का मास्टरमाइंड कह रहा है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी इस अंतर को भी रेखांकित कर रहे हैं कि पुलिस ने घर नहीं गिराया, विकास प्राधिकरण ने अपने नियमों के तहत गिराया। बुलडोजर की कार्रवाई है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है, वहाँ पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। जैसे कि फाइटर प्लेयर्स के लिए जो भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है वो अवश्य ही लीगल तरीके से और जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करके की जाए। अगर हिंसा हुई, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, तब क्या इसकी वसूली के लिए जावेद का घर बचाकर नहीं रखा जाना चाहिए था? जो व्यक्ति पुलिस के हिसाब से हिंसा का सूत्रधार है, जिस हिंसा से संपत्तियों का को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जान जाते जाते बची है, उसके कथित सूत्रधार की संपत्ति क्यों ढहा दी गई? अब सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली का कानून जावेद पर कैसे लागू होगा, वसूली कैसे होगी? हम फिर से यह सवाल दोहराना चाहते हैं, क्या यह केवल संयोग है कि बार बार किसी प्रदर्शन और उसकी हिंसा के बाद उसमें शामिल लोगों को मास्टरमाइंड बताया जाता है और उनका घर अतिक्रमण के नाम पर दोष साबित होने से पहले ही ढहा दिया जाता है? इसी तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चलने लगा, गोदी मीडिया का उत्साह देखते बनता। जहांगीरपुरी के लोग हिंदू और मुस्लिम बंटवारे की भाषा के खिलाफ एकजुट हो गए, गोदी मीडिया को वहां से मसाला मिलना बंद हो गया। वृंदा करात बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई तो सबने विपक्ष को ललकारा, बाकी नेता सड़क पर क्यों नहीं आए? यूपी में भी सपा को लेकर कांग्रेस को लेकर सवाल उठे कि विपक्ष कहां है? जहांगीरपुरी मामले को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी। अब दिल्ली में बुलडोजर का हल्ला शांत हो चुका है, वकील संजय हेगड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस कर चुके हैं। साबित तो कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल पुलिस को ये शक है कि जावेद साहब मास्टरमाइंड थे। हमारे कानून में कोई ऐसे प्रावधान नहीं है कि जहाँ सस्पेक्ट है कोई उनके ऊपर बगैर कोई ट्रायल बगैर कोई लीगल प्रोसीडिंग की कार्रवाई अपने आप पूरी पुलिस खुद सारी कार्रवाई कर सकती है, जज पूरी कर सकती है। तो अब मुझे पता नहीं है न्यायपालिका में अब क्या रह जाता है, और मुझे ये भी पता नहीं है आखिर सर तस्वीर के बाद क्या पुलिस कोई न्यायपालिका ले आई और उनको सुप्रीम कोर्ट चाहे पटका लगता है या हाई कोर्ट पटका लगाए आखिरकार मंत्री कहता है कि देखा जाएगा, कोर्ट का रिपोर्ट का जो फैसला आ जाएगा तब देखा जाएगा। तो अब शायद इन मामलों को और गहराइयों में जाने की जरूरत है। शायद घर अगर गिर भी जाए तो भी वो जो बुलडोजर एक्शन है उसकी जो लीगैलिटी है कोर्ट को एग्जामिन कर देना और उचित केस में मुआवजा भी देना पड़ेगा। और उसके अलावा जो अधिकारी है जो ऐसे फैसले लेते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को भी यही कहा जाना चाहिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग ठीक लगती है, लेकिन नुपुर का सर कलम करने फांसी देने की बात कहां तक जायज है? ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने क्यों कहा? क्या ऐसा कहकर इम्तियाज ने उन लोगों को और खुराक नहीं दिया जो जावेद के घर तोड़े जाने पर खुश हो रहे हैं, या वो माहौल नहीं बनने दिया जिसकी आड़ में किसी जावेद का घर तोड़ दिया गया? सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी। जब नुपुर शर्मा का बयान आया तब खुद से उसने कार्रवाई क्यों की? तब क्यों की जब खाड़ी के देशों ने नाराजगी जाहिर?
भले ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा को प्रवक्ता के पद से हटा दिया, लेकिन ट्विटर पर आज उनके समर्थन में अभियान चलते हैं तरह तरह की नींव में उन्हें नायिका की तरह पेश किया जाता है। बेशक पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिन्होंने नुपुर के समर्थन में बयान दिए, लेकिन इस तरह के हैशटैग तो चल ही रहे, नींव भी बन रहे हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट कीजिए। change.org में नुपुर शर्मा के समर्थन में 183,000 से अधिक लोगों ने दस्तक दी है। खुद को नमो फैन कहने वाला व्यक्ति नुपुर के समर्थन में अभियान चला रहा है। अगर इतने ही लोग आज जावेद के लिए दस्तक करते हैं तो गोदी मीडिया इन्हें आतंकी और उग्रवादी और इनका समर्थक लिखने लगेगा। क्या आप नहीं देख पा रहे कि गोदी मीडिया, राजनीतिक दल और प्रशासन नुपुर शर्मा के लिए अलग भाषा और नैतिकता का इस्तेमाल करता है, मोहम्मद जावेद के लिए अलग भाषा और साथ में बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय श्रीनिवास होगा की बेंच ने पत्रकारिता के छात्र अलन सुहैब और ताबा फसल के मामले में कहा कि अगर सरकार ने किसी किताब को बैन किया और वह किताब किसी के पास है तो आप मुकदमा कर देंगे। एनआईए को किसी किताब और नारों के आधार पर यूएपीए का केस प्रयागराज में के घर से किताब है पन्नों को पढ़े जाने की बातें लिटरेचर मुझे मिले कई किताबें मिली हैं उसका एक एक पन्ना भी पड़ताल किया जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी टीम भावना से पुलिस और प्रशासन के सैकड़ों जवानों ने इसको मेहनत किया और ऊपर देश की पूरी धूप में खिलाती धूप में कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्तियों को नियमानुसार जमींदोज किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी जितना भी लिटरेचर मिला है, झंडा, पोस्टर, बैनर, कागजात मिले हैं, सभी गहराई से पड़ताल की जाएगी कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, इसकी मंशा क्या है। बहुत सारी चीजें अभी तकलीफ में हैं, वो आपको जैसे मैं बताता आ रहा हूँ लगातार आपको बताया जाए। अली अहमद की गिरफ्तारी के लिए उसका क्या रोल रहा है? जैसा मैंने कल बताया था, उसके बाद से लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो काम कर रही थी। सबूत मिलते ही कार्रवाई कर दी जाएगी, बिना सबूत के अभी कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के इस बयान में आफरीन फातिमा के बारे में कुछ भी ठोस नहीं कहा, पुलिस ने नहीं कहा, लेकिन मीडिया की भाषा में आफरीन को कई तरह से संदिग्ध बना दिया गया है। सोशल मीडिया की भाषा में शाहीन बाग और जेएनयू से कनेक्शन को इस तरह लिखा जा रहा है जैसे किसी को संदिग्ध बनाने के लिए ये दोनों प्रमाण काफी हो। शाहीन बाग एक वैध आंदोलन था जिससे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार तक नियुक्त किया। आज के दैनिक जागरण में छपी खबर को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। अखबार लिखता है कि जावेद के घर मिले आपत्तिजनक कागजात कर रहे हैं बड़े षड्यंत्र का इशारा। आपत्तिजनक कागजात क्या है इसका ब्यौरा नहीं। एक और सुर्खी है कि इंटरनेट मीडिया पर छाया मास्टरमाइंड की बेटी का शाहीन बाग कनेक्शन। अखबार लिखता है कि उसकी बेटी आफरीन फातिमा का शाहीन बाग में चले धरना प्रदर्शन से कनेक्शन सामने आया है। वह देशद्रोह के आरोप में बंद शर्जिल इमाम की भी नजदीकी बताई जा रही है। हालांकि जिले के पुलिस अधिकारी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। ये पंक्ति भी अखबार में, पुलिस आफरीन पूर्व की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही। अखबार लिखता है कि आसार हैं कि कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते। मौसम समाचार की तरह आसार के आधार पर फातिमा का कनेक्शन कहां से कहां जोड़ दिया जा रहा है, ऐसा कई अखबारों और कई चैनलों की रिपोर्टिंग में हुआ है। पुलिस ने भी मिलता जुलता कुछ आधा अधूरा सा बयान दिया है। किसी का घर इस तरह से ढहा दिया, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जावेद और फातिमा को आप जिस तरह से रोजाना पार्टियों में जाने की तैयारी तैयारी करते रहिए, क्या आप जानते हैं कि ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अगर किसी को बुलाकर घंटों हफ्तों पूछताछ का रिकॉर्ड देखा जाए तो हो सकता है कि ईडी टॉप कर जाए जांच। पिछले 17 साल में केवल 25 मामले